तो ये है एथर 450X और अब हम निकल रहे हैं हमारे रेंज टेस्ट के लिए। इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट्स मोड, ये तीनों मोड का थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज्यादा इको राइड की तरफ रहेगा और देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चल पाती है। ओके, तो अब गाड़ी 100% चार्ज हो चुकी है और हमारे रेंज टेस्ट की अब तैयारी शुरू। ओडोमीटर 2106 किलोमीटर पे है, चलिए। थोड़ा सा एथर के बैटरी के पैक के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें सिलिंड्रिकल सेल इस्तेमाल किए और इस सिलिंड्रिकल सेल को कहते हैं 21700। तो बेसिकली इसका ये डायमीटर और हाइट के डायमेंशन ये इसमें समझ में आ जाते हैं हम लोग को। तो ये टाइप के सेल्स की खासियत ये है कि इसमें एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसको ज़्यादा रेट पर चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। यही सेल्स की वजह से आपको ऑलमोस्ट चार्जिंग करते वक्त हर एक मिनट में 1.5 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा और वार्प मोड में जहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन अच्छा मिलता है और 0 to 40 की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकेंड में मिलती है। तो बैटरी के अंदर एक BMS बना हुआ है जिसका काम होता है करंट क्या है चेक करना, उसको कंट्रोल करना, टेम्परेचर को मेजर करना, वोल्टेज को चेक करना और चार्ज और डिस्चार्ज कितना होना चाहिए उसके बारे में एक जानकारी रखना। एक और BMS का ये फंक्शन रहता है कि अगर चार्ज करते वक्त कोई भी सेल की वोल्टेज ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो उसको वो सेल को बचा के रखता है, करंट को भी कंट्रोल करके रखता है ताकि ज़्यादा करंट देने से सेल खराब होने के चांस रहते हैं। और तीसरा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते वक्त टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे भी सेल के लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसका भी बचाव BMS करता है। एक चीज़ और BMS का काम ये रहता है कि आपका स्टेट ऑफ चार्ज रहता है जो कि आपको आपके स्पीडोमीटर पे दिखाई देता है, वो कैलकुलेशन सारा का सारा BMS बैठ के करता है। तो ओवरऑल BMS की क्वालिटी अच्छी लगी हमें और अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है एस्टिमेशन का काफ़ी ठीक ठाक रहा है, मतलब कि जो आपको दिख रहा है वो आपको मिल रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विजीविग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। What we've realized is that the mode change is not happening below 16%. I thought we were promised that it goes all the way up to 10% warp. What? Nothing, nothing. Just eco mode. Tap on that. तो अब हमने राइड ऑलमोस्ट ख़त्म करने की स्थिति पे आ गए हैं, 9% चार्ज बचा हुआ है और हमारे 70 किलोमीटर हो चुके हैं, 9% चार्ज अभी भी बचा हुआ है तो अंदाज से करीब 75 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जाना चाहिए। हमने आज और कल के बीच में जो 70 किलोमीटर राइडिंग की है उसमें करीब 20-25 किलोमीटर डबल सीट की है, 6-7 किलोमीटर वार्प मोड में किया है सुपर फास्ट वाला और बाकी मोस्टली इकोनॉमिक और राइड वाले मोड में किया। इकोनॉमी में ज़्यादा रहा है, राइड में कम रहा है। एथर एक परफॉर्मेंस स्कूटर है जिससे आप रेंज की ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए, आप
60-70 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको 80-90 चलाना है तो आपको एक लो स्पीड स्कूटर भी ठीक रहेगा। तो बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग के लिए, जिनको जिप करना है, एक्सेलरेशन चाहिए अच्छा, जिनका राइड डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, उनके लिए गाड़ी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जिनको थोड़ा सा रेंज का चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए हम पता नहीं, ये गाड़ी के बारे में फिर से सोच विचार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो पूरा अगर इकोनॉमी मोड पर चलाएंगे तो गाड़ी में कितना मिलना चाहिए, मेरे अंदाज से आपको 80-90 किलोमीटर के बीच में रेंज मिल जानी है पूरा इकोनॉमी मोड में चलाने में। 100 में चलाने के लिए आपको मेरे को लगता है 25-30 की स्पीड पे जाना पड़ेगा, जो कि शायद कोई ज़्यादा करना नहीं चाहेगा। ये था एथर का रेंज टेस्ट का वीडियो। अगले बार हम लोग देखेंगे इसका राइडिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो देखते रहिए। अब हमने देखा कि पूरा स्ट्रेच करके फ्यूल टैंक पूरा खाली करने का हमने निर्णय कर लिया था। अब यहाँ पे एसओसी ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, 1% दिखाते रह रहा है, 1 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रहा है। आप प्रेस ब्रेक एंड स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि गाड़ी का पूरा मसाला ख़त्म हो चुका है इस समय। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रेंज अगर डिस्प्ले कहता है कि भैया तुम्हारा ज़िंदगी समाप्त हो गई है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये बोलता है कि एक तक का ज़िंदगी बची है, लेकिन है नहीं। बट आप घर पहुंच गए। लेकिन हम घर पहुंच गए।